जैसे केसेस, वर्ब, वर्ब नॉमिनेटिव अकुलेटिव डेटिव ऐसे प्रीपोजिशन है, ये अकुजेटिव डेटिव और टू वे हैं, बट इन प्रीपोजिशन की हेल्प से भी केस डिसाइड होता है। वर्ब आएगी जब तक तो वर्ब डिसाइड करेगी, लेकिन प्रीपोजिशन आ गई तो प्रीपोजिशन डिसाइड करेगी। सपोज ये सब्जेक्ट है और उसके बाद में कोई वर्ब है, लेट्स से वर्ब सपोज अकुजेटिव है, लेकिन अकुजेटिव वर्ब के बाद में कोई डेटिव प्रीपोजिशन आ गई सपोज, तो उसके बाद में केस डेटिव होगा, वर्ब के हिसाब से नहीं चलेगा। मतलब प्रीपोजिशन और वर्ब दोनों में अगर कॉन्फ्लिक्ट है, चाहे प्रीपोजिशन अकुजेटिव हो चाहे डेटिव हो, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है तो प्रीपोजिशन जीतेगी। सब्जेक्टिव रखते हुए आया जाएगा ना, सब्जेक्ट तो नॉमिनेटिव रहेगा ही रहेगा, वो तो हमेशा की तरह। वर्ब का कंजुगेशन इस सब्जेक्ट के हिसाब से हो जाएगा, ई लगेगा कि एसटी लगेगा कि टी लगेगा कि क्या लगेगा, बट इसके बाद की बता रहा हूं। अगर प्रीपोजिशन डेटिव है तो उसके बाद का केस डेटिव, प्रीपोजिशन अकुजेटिव है तो उसका बाद का केस अकुजेटिव, ऐसे होगा। खैर मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं तब समझ में आएगा। बे फूडोग है, बे फूडोग है। नेक्स्ट, बे फूडोग है एंड लाउन गीगन ओन है ये प्रीपोजिशंस हैं। एंड लॉन्ग का मतलब है अलोंग साइड, अलोंग साइड के साथ साथ, साथ साथ कैसे, जैसे मान लो ये कोई रोड जा रही है तो कोई बोला कि किधर से जाऊं, बोले रोड के साथ साथ चला जा, जहां रोड ले जाए वहां के किनारे किनारे के साथ साथ, ये हो गया अलोंग साइड। कोई रिवर है, रिवर के साथ साथ, एक तरह से पैरेलल पैरेलल, ये सेंस निकल रहा है के साथ। ये हाईवे है और हाईवे पे पेड़ लगे हुए हैं, तो हाईवे के किनारे किनारे पेड़ लग रहे, तो ये होगा अलोंग, अलोंग द हाईवे के साथ साथ, ये मतलब है इसका अलोंग साइड के किनारे किनारे के पैरेलल के साथ साथ। गेगन का मतलब है अगेंस्ट, वेन टू आ जाक्स दन जागेस बे, उल्टा ही बोलता हूं लड़की, बातें हमारे पास नहीं आया आपकी। सो अगेंस्ट गेगन, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं और तू कह रहा है आजा मैदान में, मैं तेरे अगेंस्ट मैं भी चुनाव लड़ना चाहता हूं, तू तो हमेशा मेरे खिलाफ बोलता है। के खिलाफ, अगेंस्ट का मतलब है के विरुद्ध, के विरुद्ध, उल्टा अगेंस्ट। ओन है मतलब विदाउट, विदाउट के बिना, तुम पार्टी में आना चाहो तो आ जाओ, लेकिन तुम्हारे भाई को मत लेके आना, वो क्या हमेशा परेशान करता है। के बिना, ठीक है इस बार भाई के बिना आऊंगा, भाई को साथ लेके नहीं आऊंगा। के बिना के बिना, चाय मैं बिना चीनी की लूंगा, सो टी विदाउट सुगर, के बिना वहां पे आएगा, बिना चीनी की चाय, तो चीनी के बिना ये आ जाएगा ओने, ओने सुगर। दुर्स का मतलब है के आर पार, जैसे मान लो तीर पार निकल गया, या फिर जैसे मान लो कोई पार्क है,
पार्क के बीचों बीच रास्ता है, पार्क में से होके थ्रू तुम किधर से आते हो? मैं तो खिड़की में से क्यों आते हो? दरवाजे दरवाजे आया करो। सो के थ्रू में से होकर दूस मतलब थ्रू का मतलब है अराउंड के चारों ओर। फॉर एग्जाम्पल यहां पे कोई टेबल है, हम लोग बैठे हैं, इधर कोई और बैठा है कि चारों ओर टेबल के चारों ओर। यहां पे कोई पेड़ है, बच्चे पेड़ के चारों ओर यहां खेल रहे हैं, और ये बच्चा तो अपनी मां के चारों ओर ही खेलता रहता है। सो अराउंड अराउंड के चारों ओर अराउंड वी आर सिटिंग अराउंड द टेबल। फ्यूर इज फोर के लिए बेटा हम तो तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं, तो मामा मैं भी तो आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं। के लिए फोर के लिए बीस मतलब टिल अप टू तक टाइम और प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में जनरली आपको दिखेगा। 10 बजे तक आ जाना, मैं रुकूंगा नहीं ज्यादा देर। 10 बजे तक मतलब उसके बाद नहीं, 10 o'clock इज द लिमिट, लास्ट लिमिट तक। सो टाइम के कॉन्टेक्स्ट में आ गया तक। मैं गाड़ी तो चला लूंगा लेकिन पुणे तक चलाऊंगा आगे, फिर उसके बाद में मुंबई तक तुम चलाओगे, तो पुणे तक, उसके आगे नहीं चलाऊंगा। ये 2 घंटे तक मतलब टाइम और प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में, फिर ये 20 आ जाएगा। अकुजाटिव, all these prepositions are accusative prepositions. Now maybe we take example, I am driving till Pune. Ish far hai 20 miles Pune. I am coming till Jaipur. इश्को में बिस जयपुर टिल अप टू फोर आई एम हियर फॉर यू, मैं तुम लोगों के लिए यहां पे हूं। कैसे बोलूंगा? आई एम हियर फॉर यू मीन्स यू ऑल, इनफॉर्मल प्लूरल। सर एक बात बताओ, अगर एक सेंटेंस में आपको सर्टिव और डाटिव दोनों प्रपोजिशन आ जाती हैं, तो फिर हम किसको प्रेफरेंस देंगे? ऐसा भी हो सकता है ना मुझे कहीं फॉर और विद दोनों यूज करते। वैसे तो बहुत कम संभावना है इस बात की, अगर आ जाए तो बाद में जो आ जाए उसको ले लो। जनरली अकुजाटिव आती है या डाटिव आती है, बट मान लो ऐसे रेयर केस में अकुजाटिव और डाटिव आ गई दोनों ही, मान लो कोई कॉम्बिनेशन ही ऐसा निकल के आ गया, तो जो बाद में है उसके हिसाब से बिहेव करेगा। मुझसे मैं बोल रही हूँ कि I am coming for you with my brother, तो फिर तो भी आ गया with me। उस केस में तो एक एक ही आ रहा है, उसमें तो आप कह रहे हो फॉर यू विद माई ब्रदर, तो यहाँ पे तो फोर अकुजाटिव है, तो ये अकुजाटिव हो जाएगा, फिर ये डाटिव है, तो इसके बाद वाला डाटिव हो जाएगा। ओके हाँ, उसमें तो दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है या सो आई एम हियर फॉर यू ऑल, व्हाट विल बी द सेंटेंस? आई एम हियर फॉर यू ऑल हियर Is pure here, pure or here, or pure do? Is been here do pure
here. Miss me a do dish dear. Here in e. Oyster, oyster. ठीक है फिर नहीं लिखता हूँ, याद आ गया तो तुमको फिर नहीं लिखूंगा. हियर ओइश ओइश, ठीक है ना? ओइश या सो इश बिन हियर प्योर प्योर ओइश. और अगर ऐसे बोलूं ये मेरे लिए है, ही इज फॉर मी, इसको कैसे बोलेंगे? ही इज फॉर मी. एयर एयर इश्ट एयर इश्ट प्योर एयर इस्ट हियर, वो यहां है मेरे लिए. प्योर प्योर फॉर मी हियर इस्ट विश प्योर 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 विश द एयर इस्ट हियर प्योर मिश मिश मिश, क्योंकि इसका अकुलेटिव मिश ही तो होता है. हाँ सर, तो मिश आएगा. एयर इस्ट हियर प्योर मिश के चारों ओर वी आर सिटिंग अराउंड द टेबल. टेबल को क्या बोलते हैं? देयर डिश बोलते हैं. तो सेंटेंस क्या बोला मैंने? We are sitting around the table. तो sitting के लिए तो होगा जिप्सम. जिप्सम. तो we are sitting. We are sitting. We are sitting. We are sitting. Around the table. Around के लिए है ना? हाँ सर. There. Okay there. Dentish. Yeah. Yes, sir. हाँ sir. Okay, बहुत बढ़िया. Good. There, the, das, the. और accusative में there क्या हो गया? Den. Den. So accusative में den होता है भाई. ये nominative है, accusative में den होता है. तो इसका there का den होगा. क्यों होगा den? Den कर क्यों नहीं अपन? क्योंकि ये डाटिव नहीं है. क्योंकि ये डाटिव नहीं है, यस, इसलिए अकुजेटिव है. वी एग्जिस्ट उम डेंटिश नॉमिनेटिव प्रीपोजिशंस कितनी होती है? नॉमिनेटिव नॉमिनेटिव होती नहीं. ओके, ध्यान से सुनना है. वो अकुजेटिव है सेवन जो आप बता रहे हो. सो उम इज डन. देन डूर्स. डूर्स का मतलब है मे से होकर. अगर मैं बोलूं द कार इज कमिंग थ्रू द गार्डन, माय गॉड, गार्डन में कार कैसे आ रही है? गार्डन, गार्डन इज देयर गार्डन. द कार इज कमिंग थ्रू द गार्डन. गार्डन गार्डन लिख दिया मैंने यहां पे. देयर गार्डन होता है. सो द कार इज कमिंग. Thus auto comes, dus then garden. I'm He comes through the window. He comes through the window. Window को क्या बोलेंगे? Window को? Air com. The fenster. Glass fenster. Glass fenster.
एयर एयर कॉम कॉम एयर कॉम लूज लूज ग्लास फेंस ग्लास फेंस ओके आई एम कमिंग विदाउट माय फ्रेंड फ्रेंड को बोलते हैं डियर फ्रेंड डियर फ्रेंड विदाउट माय फ्रेंड माइन की टेबल आएगी ना माई बोल दिया तो ठीक है अब मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ तो ये टेबल सारी तुरंत क्लिक नहीं हो रही होगी होंगी है अभी नहीं होती तुरंत लेकिन हमको सोचना है कि इसने माइंड बोला मेरे क्लिक नहीं किया लेकिन इसको क्लिक किया अगली बार मेरे को भी क्लिक करना चाहिए आप चाहो तो एक काम कर सकते हो कि ये टेबल बना के फॉर द टाइम बीइंग अपने घर में अपने टेबल पे कहीं ना कहीं चिपका लो पूरे दिन दिखती रहे ऐसे शुरू शुरू में थोड़ा सा आपको थोड़ा एफर्ट करके उनको लर्न करना है क्योंकि वो यहीं रहनी चाहिए ना वो पीछे जाके कहीं सो जाती है टेबल तो अपने क्या काम की वो यहीं रहनी चाहिए तो उसको 10 20 50 बार आप पढ़ोगे ना तो फिर वो यहीं रहेगी आपको जब चाहिए आ जाएगी तो लिखना पड़ेगा एक बार शुरू शुरू में क्लिक नहीं करता शुरू में सो अगेन आई एम कमिंग विदाउट माई फ्रेंड फ्रॉइड की जो टेबल है फ्रॉइड मैस्कुलिन है ना हाँ सर हाँ सर यस सर ओके अगर फ्रेंड फीमेल हो तो आप में से किसी ने किसी के दिमाग में ऐसे भी चल रहा होगा कि यार टेबल तो सारी कर ली अब लिखा लो आप टेबल लिखा लो मेरे से लेकिन सेंटेंस में नहीं आती टेबल मेरे को आती है सो हाँ सर इट डजंट क्लिक एज सून एज यू आस्क इट डजंट क्लिक या आजो 10 डबल टाइम वाइल है थोड़ा सा टाइम लगेगा टेक्स टाइम अब 10 फंक्शनियट व्हेन वी आर इमीडिएट श्राइबन बार बार अगर हम लोग लिखेंगे पढ़ेंगे तो आएगी मेरे को भी ऐसी आती है बट मेरी तो अब क्या है कि मैं आप लोगों को बार बार लिख के देखता हूँ ना यहाँ पे तो आप सोचते हो कि सर बोर क्यों नहीं हो रहे बोर थोड़ी होने का काम है मैं तो अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ कि अपन नहीं भूल जाए स्टूडेंट भूल जाए तो माफ है मैं भूलूंगा तो कैसे चलेगा जो आपने बोला है वो भी कर रही हूँ क्या बोला है फिर भी आर्टिकल दिमाग में आता नहीं है ठीक है मैंने क्या बोला है करने के लिए आपने बोला है कि जैसे 10 पेजेस होते हैं के लिए डी के लिए लास्ट के लिए और कलर पेन अलग अलग रखो सो दैट आपको माइंड में रहे कि वहाँ डी था इस कलर से लिखा था तो याद रहे फिर होगा फिर हो रहा है तुरंत क्लिक नहीं कर रहा बट याद हो रहा है आर्टिकल समहाउ वी कैन लर्न सर बट आई यूजिंग इन अ सेंटेंस इन इट डजंट Because sometimes even you don't know whether it is masculine or feminine. If you know that, then you should be able to recognize the verb, whether the verb is accusative, nominative, dative. Yeah. वो click करेगा आपको. जैसे माखन verb ये कौन सी category की है? माखन. Accusative. Accusative. Huron. Accusative.
ब्रिंगन अकुजेटिव कोखन अकुजेटिव ग्रैटुलियरन अकुजेटिव नोमिनियरन अकुजेटिव कॉम्बिनियरन अकुजेटिव जाइन नोमिनेटिव हाइसन तो सब याद हो रहा है। इससे ये पता चलता है कि आप लोगों का चलता है, तभी तो बता पा रहे हो, राइट? चलता सबका है, सबका चल रहा है, चिंता मत करो। सो ओन है अकुजेटिव। सो ये हमने माइनन फ्रॉइंड, ये हमने अकुजेटिव इसलिए लिया क्योंकि ओन है अकुजेटिव और फ्रेंड का आर्टिकल डेयर फॉइंड होता है, मैस्कुलिन है, तो हमने अकुजेटिव में माइनर लिया है। नेक्स्ट गिवन स्प्रेशन, स्प्रेशन इज टू स्पीक, ही स्पीक अगेंस्ट मी, एयर स्प्रिश्ट, एयर स्प्रिश्ट, एयर स्प्रिश्ट, एयर स्प्रिश्ट, गेम गेम मिस, एयर स्प्रिश्ट, स्प्रिश्ट, गेम मिस, मेरे खिलाफ ही बोलते हो, एयर स्प्रिश्ट गेगन मिश, तो मैं भी तुम्हारे खिलाफ ही बोलूंगा। आई ऑल्सो स्पीक अगेंस्ट यू, इश स्प्रिश आउक गेगन, यू बोलना है डिश, डिश, तो आप डिश डिश क्यों कर रहे हो, यू तो डू होता है ना। हाँ सर, अकुजेटिव वर्ड है सर, अकुजेटिव इज डिश, वेरी गुड। इससे पता चलता है कि आपका चलता है क्योंकि डू नहीं बोल के डिश बोलते हो आप, यही रूल है, इतना ही चलना चाहिए बस। सो एंट्रांग, एंट्रांग की खास बात है कि ये उस नाउन या प्रोनाउन के बाद में आती है। Entlang is special in all these seven prepositions. Entlang is special. They say, along. So read now, sir. Er spricht gegen mich. English more. He speaks. He speaks against me, na? Yeah. Thank you. Yes. He speaks against me. Clear? आपकी बार क्या होगा, एंट्रांग को लास्ट में रखना है बस। स्ट्रास जो है इसका आर्टिकल क्या है, डी है, सो इस गे है, गे है, डी स्ट्रास से एंटलांग को लास्ट में रखना था हमको, बाकी रहेगा अकुजेटिव ही है। ये दी कैसे है भाई, क्योंकि दी का अकुजेटिव भी दी होता है, जैसे डेयर का डेन होता है ऐसे दी का अकुजेटिव दी होता है। हमने अकुजेटिव लिया है, लेकिन हमने लिया क्यों अकुजेटिव, पोजिशन आपको जाती भी है। यस क्या, सो ये आपको जाती प्रीपोजिशन होगी कि उस प्रीपोजिशन के बाद में, ये वाली तो आती है उस नाउन प्रोनाउन के बाद में, बाकी नॉर्मली आप उस प्रीपोजिशन के बाद में जो भी नाउन और प्रोनाउन आ रहा है अकॉर्डिंग टू द प्रीपोजिशन, इफ इट इज अकुजेटिव देन अकुजेटिव, इफ इट्स डाटिव देन डाटिव। सो आपने सेंटेंस बनाए, बढ़िया बनाए आपने सेंटेंस, सो दिस इज देन
accusative. Dative. Dative का formula क्या था? बेमानवदाक्ता. 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 By Unforby. ये सारी कौन सी कैटेगरी की है? डाटिव है. सो एक एक करके इनके मीनिंग लर्न करेंगे और हो जाएगा. डाटिव है इसका मतलब है कि इसके बाद में जो भी केस आएगा वो डाटिव होगा. अकुजेटिव में वो अकुजेटिव हो रहा था और वर्ब के हिसाब से चलने के बजाय प्रीपोजिशन के हिसाब से चलेगा अभी मामला. और पर्सनल प्रोनाउन वो के वही है, इश मिश मिया डू डिश दी है, उसी में से तो उठा रहे हैं. एक बार टीवी लर्न कर लिया उसी में से लेना है जब चाहे. अगर आपको याद होगी तो कभी भी उसमें से उठा के ले सकते हो आप. सो बाय प्रीपोजिशन. कई लोगों को प्रीपोजिशन में दिक्कत इसलिए आती है, उनको लगता है उन्होंने प्रीपोजिशन तो लर्न कर ली, लेकिन वो प्रीपोजिशन के मान लो चार मीनिंग है, सपोज पांच मीनिंग है, ऐसा भी हो सकता है कभी कभी उन्होंने एक मीनिंग लर्न कर लिया बाकी के नहीं किए, तो हर बार जरूरी थोड़ी है वो वाले ही मीनिंग आए. सो कभी कभी मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं, जैसे वहां पे अभी बताया मैंने उनके एक आध मीनिंग ही थे, बट इनके मल्टीपल मीनिंग्स हैं. बाई फॉर एग्जाम्पल, बाई का मतलब है कि यहां मीन्स एट. लेकिन इसके चार कॉन्टेक्स्ट होते हैं जनरली. एक कॉन्टेक्स्ट होता है प्लेस का और उस टाइम पे मीनिंग निकलेगा नियर. प्लेस का मीनिंग नियर निकलेगा. बोले तो ये जो ई लैंग्वेज स्टूडियो है जयपुर में, ये SBI बैंक के पास में है. तो SBI बैंक की इतनी बड़ी बिल्डिंग जिसको सब जानते हैं, तो हम लोग जनरली वो जगह बताते हैं अपने एड्रेस में जिसको सब जानते हैं. तो आप देखोगे हो सकता है आपके एड्रेस में विवेकानंद ITI के पास ऐसे लिखते होंगे आप, हो सकता है. कोई कुछ ना कुछ अपन लैंडमार्क बताते हैं कि उसके पास, ताकि लोग रिलेट कर जाए. तो आप जिसको भी लैंडमार्क के रूप में बता रहे हो वहां पे आप बाई लगा सकते हो उससे जस्ट पहले. जैसे मेरे को पूछा गया जर्मनी में कि जयपुर कहां है, तो मैंने उसको पहले तो बताया कि अब जयपुर राजस्थान में सबसे बड़ा सिटी जयपुर है. जयपुर कहां बताऊं? तो फिर मैंने कहा इसको क्या बताऊं. मैंने कहा दिल्ली देखा है, पता है दिल्ली का? बोला हाँ. मैंने कहा दिल्ली के पास है. मैंने कहा इसको और तो क्या बताऊं, जयपुर इतना बड़ा है वो इसके समझ ही नहीं आ रहा. तो मैंने उसको बोला जयपुर ईस्ट बाय दिल्ली, मतलब उसको वो बताना पड़ेगा जिससे उसको समझ आ जाए. जयपुर ईस्ट बाय दिल्ली. अब फॉर एग्जाम्पल ये विजय नेपाल में है और ये जाए जर्मनी और इससे पूछे कि कहां से हो, ये बोले कि मैं काठमांडू से हूं. मतलब काठमांडू नेपाल में कैपिटल है, उससे ज्यादा क्या बताए कोई. और फिर इससे कोई ये पूछ ले काठमांडू कहां है, तो काठमांडू कहां है भाई,
काठमांडू कहाँ बताऊं कहाँ बताऊं, तो हो सकता है ये बोले कि इंडिया के पास है या दिल्ली के पास है, कुछ तो बड़ा ऐसा बताना पड़ेगा उससे भी बड़ा कि लोग उसको रिलेट कर ले। तो जयपुर बाई दिल्ली तो लैंडमार्क के लिए ताकि लोगों को समझ में आ जाए, बाई हमेशा बाई के बाद में बड़ी वाली पोजीशन जो भी लोकेशन है। ई लैंग्वेज स्टूडियो इज बाई लाल कोठी, यहां पे एक लाल कोठी है, बहुत बड़ी कोठी है वो, हाँ? बिल्डिंग का नाम है, एरिया का नाम है वैसे, तो मैं बोलूंगा उसके पास, तो मैं बोलूंगा ई लैंग्वेज स्टूडियो इज बाई लाल कोठी, बाई लाल कोठी एरिया का नाम है, जगह का नाम है। मेरा घर कहाँ है, मेरा घर एक कॉलेज है विवेकानंद कॉलेज, उसके पास है, तो मैं बोलूंगा माइन हाउस इज बाई विवेकानंद कॉलेज, ऐसे। तो एक मीनिंग तो बाई का होता है नियर, प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में। सेकेंड मीनिंग इज यूज्ड फॉर ए कंपनी, फॉर कंपनी, जैसे मान लो कोई बोले कि तुम काम कहां करते हो, अब मैं काम करता हूं ई लैंग्वेज स्टूडियो के लिए, तो के लिए फोर नहीं लगाऊंगा मैं, फोर तो के लिए तो फोर होता है, लेकिन कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में आपको बाई लगाना है, बिकॉज अल्टीमेटली इसका मीनिंग निकलता है के यहां। सो मैं बोलूंगा आर्बाइटन का मतलब है टू वर्क, एश एश आर्बाइटर बाई ई लैंग्वेज स्टूडियो। ई लैंग्वेज स्टूडियो में काम करता हूं। अब कोई इंग्लिश में, अब इसको इंग्लिश में कोई इन बोल दे, फोर बोल दे, एट बोल दे, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने तो ये रूल सीख लिया कि कंपनी से पहले फोर लगाना है, बाकी बाई बाई यस मतलब बाई लगाना है स्टूडियो, ये शार्प बाइट है बाई ई लैंग्वेज स्टूडियो। सो दिस इज द सेकेंड कॉन्टेक्स्ट, प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग निकलेगा नियर, कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में एट इन फोर कुछ भी निकल सकता है मीनिंग, बट ये कंपनी के लिए जहां पे आप काम करते हो। थर्ड कॉन्टेक्स्ट हो सकता है इसका प्रोफेशनल रिलेशनशिप दिखाने के लिए, प्रोफेशनल रिलेशनशिप, प्रोफेशनल एस्टैब्लिशमेंट। जैसे हम लोग अभी मिल रहे हैं, आप लोग इसलिए मिलते हो मेरे से क्योंकि मैं जर्मन पढ़ाता हूं, ये मेरा प्रोफेशन है, हम लोग हमारी प्रोफेशनल रिलेशनशिप है। कोई पूछे कहां हो तो आप कह सकते हो इस बिन, जनरली लोकेशन के लिए आता ही है, आप किसी इंस्टीट्यूट में तो आप कह सकते हो इस बिन बाय डेम इंस्टीट्यूट, अब डेम होगा क्योंकि दास इंस्टीट्यूट होता है और बाय डाटिव है, यहां पे प्लेस का आर्टिकल नहीं होता इसलिए आपको ये डाटिव अकुजेटिव ये दिखा नहीं, दोनों जगह नाम आ गए ना इसलिए। बाकी मैं तो टीचर के यहां पे हूं या फिर मैं तो इंस्टीट्यूट में हूं, के यहां के कॉन्टेक्स्ट में एट, यहां भी एट के यहां, अल्टीमेटली सबका मीनिंग एट और के यहां निकल रहा है। जनरली बाई जो आती है वो मोशन के कॉन्टेक्स्ट में नहीं आती, एक स्टैटिक लोकेशन के कॉन्टेक्स्ट में आती है कि ये उस प्लेस के पास है, मैं उस कंपनी में काम करता हूं, मतलब वहीं पे एट के कॉन्टेक्स्ट में, मैं टीचर के पास हूं, मैं इस इंस्टीट्यूट के यहां हूं, मतलब के यहां एट के लिए। तुम कहां हो, मैं तो बाल कटवा रहा हूं, नाई के यहां हूं, अच्छा ठीक है, इस बिन बाय देम फ्रिजोर, या डॉक्टर के यहां पे हूं, आर्ट्स बोलते हैं तो बाय देम आर्ट्स, इस बिन बाय देम आर्ट्स, डॉक्टर के यहां
by dim, arch day arch hota hai, is been by dim prisoner. मैं तो टीचर के पास हूँ, is been by dim lehrer. अब टीचर को lehrer कहते हैं, तो ये वर्ड्स आपको लर्न करने पड़ेंगे. सो ये जनरली प्रोफेशनल रिलेशनशिप में आप कहाँ पे हो के यहाँ के कॉन्टेक्स्ट में ये आता है. सो अगेन वन मोर मीनिंग इज देयर, दैट इज फॉर डिपेंडेंसी. डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी का मतलब जैसे मैं मेरे भाई के पास रहता हूं, मेरे भाई के पास रहता हूं यहां जयपुर में, और मुझे किराया नहीं देना पड़ता. भाई करता है सब बहन, और खाने का उसका भी मुझे नहीं देना पड़ता, भाई करता है. एग्जाम्पल है. तो डिपेंडेंसी जहां पे हो, आपको कोई पूछे कहां रहते हो, पार्टनर में डिपेंडेंसी नहीं है. मैं ये नहीं कह सकता मैं तो मेरी पत्नी के यहां रहता हूं, ना मेरी पत्नी कहेगी मैं मेरे पति के यहां रहती हूं. वो तो पार्टनर है हम, तो कोई किसी के यहां नहीं, दोनों बराबर के हैं. बट जब डिपेंडेंसी हो तब ऐसे बोलते हैं. जनरली स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं, पेरेंट्स अब उनका पैसा अफोर्ड करते हैं. जनरली ये डिपेंडेंसी, वैसे तो ज्यादातर केसेस में फाइनेंशियल डिपेंडेंसी की बात होती है, बट इट कैन बी ऑल्सो इमोशनल और कोई भी तरीके से. फॉर एग्जाम्पल, मैं बर्लिन में आया, मैं म्यूनिख में आया, और मैं आपके यहां पे रुका, तो आपके यहां तो ये भी बात है कि मेरे को हो सकता है पैसे तो देने ही नहीं पड़े, एक तो ये बात है ही. दूसरी बात, मैं तो वहां शायद जानता भी नहीं कुछ, मुझको तो ये भी नहीं पता कि बगल में कॉफी हाउस कहां पे है. तो एक तरह से आप पे डिपेंडेंसी होगी. सो इन दैट वे ऑल्सो, या फिर आप बड़े तो हो गए लेकिन आपको अभी भात भरना नहीं आता, शादी की रस्में और ये सब पता ही नहीं है, जड़वा क्या है आपको पता ही नहीं है, राइट? तो हो सकता है कि कई चीजें आपको आती नहीं है, तो आप फैमिली के बाकी मेंबर्स पे डिपेंडेंट रहते हो, या फिर पेरेंट्स हैं, दादाजी हैं, तो ये भी एक डिपेंडेंसी हो सकती है. सो कोई स्टूडेंट बोलता है एश वोन है, वोन है मीन्स टू लिव, एश वोन है एल्टर्न मतलब पेरेंट्स, बाय देन एल्टर्न. मैं पेरेंट्स के यहां पे रहता हूं, मैं पेरेंट्स के साथ हूं. सो यहां पे इसको आप एट बोल सकते हो, इसको आप चाहो तो विद भी बोल सकते हो, बट डिपेंडेंसी इज देयर. दिस इज द पॉइंट. ये चार मीनिंग आपको लर्न करने हैं. एक बार वापस देखो कौन कौन से मीनिंग हो गए. ये चारों जो आपने बताए हैं ये एट ही है, राइट? बट लेट्स से मैं जा रही हूँ रिलेटिव के घर, या मैं कॉफी शॉप में हूँ. मैंने जाना इसमें कहीं भी नहीं बोला है, ये सारे मतलब लोकेशन है, राइट? लोकेशन है. लेट्स से मैं किसी ऐसे लोकेशन में हूँ, मैं अपने रिलेटिव के घर पे हूँ, एट माय रिलेटिव, या एट कॉफी शॉप, एट सिनेमा हॉल, तो उस सिचुएशन में ये वर्ड यूज होगा, राइट? देखो मैं कॉफी हाउस में हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपने बोला मैं कॉफी हाउस में हूं. अब बाकी के जो प्रीपोजिशन बताऊंगा, ये आपको कई सारी प्रीपोजिशन पता चल जाएंगी, तब आप डिफरेंशिएट कर पाओगे. कैसे? मान लो आपको ये कहना है कि मैं कॉफी शॉप में हूं, इसके अलावा एक प्रीपोजिशन इन भी होती है. जब आप कोई बाउंड्री की बात करते हो, क्लोज्ड बाउंड्री कॉफी शॉप के अंदर, सिनेमा के अंदर, तो यहां पे क्लोज्ड बाउंड्री की बात आ जाती है, वहां पे इन प्रीपोजिशन यूज करते हैं जो हम बाद में करेंगे. तो जैसे एक बार आपको जो जो मीनिंग बताऊं वो देखने पड़ेंगे, पूछ भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन जैसे आपको एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी ऐसे सारी पता चलेंगी, तब हम लोग कह सकते हैं बाद में कि सपोज ये दो है, अब बताओ इस सिचुएशन में ये आएगी कि ये आएगी. ठीक है ना? So, dependency is one context. Second, near, place. Third, personal establishment. Professional establishment. And company. Yes. ये चार जगह पे generally buy आएगा.
फिर कोई डबल एक्टिविटी की ऐसी कोई बात आएगी तो मैं और बता दूंगा, बट आपको चार ही रन करने हैं. इज इट ओके? अब आप इतनी भी चिंता मत कर लेना, एक के चार हैं तो 26 × 4 इतना मत दिमाग लगा लेना, किसी किसी के ज्यादा है बाकी नहीं है, है ना. ये आप देखोगे अरे ये तो 100 पे जाएगा मामला, ऐसा नहीं है. दो इसके चार हैं, है ना, दो तीन दिन में जाएगा बिल्कुल हो जाएगा. सो दिस इज बाई एंड देन मिड. मिट प्रीपोजिशन बहुत प्यारी है. मिट हैज ओनली टू मीनिंग, वन इज विद एंड अनदर इज बाय. बाय इज फॉर व्हीकल्स. अब ये भी तो विधि था, बट हियर डिपेंडेंसी एंड हियर इट्स नॉट अबाउट डिपेंडेंसी इन जनरल. So most of the time, you will use mit. Most of the time, with के लिए आप mit यूज कर रहे होंगे. मैं मेरे दोस्त के साथ रहता हूं, किराया देता है कि नहीं? हाँ किराया तो देता हूं. mit. दोस्त के यहां है एका दिन तो किराया नहीं देना पड़ता, वहां पे आप लगाओगे भाई. आपका दोस्त रहता है जयपुर में, आप आके उसके पास रुक गए, आपने बोला कि मैं आ रहा हूं एक दिन तुम्हारे पास रुकूंगा, तो रुक जा कोई नहीं. तो कोई पूछे कि भाई अरे जयपुर में कहां रुके हो? यार मैं तो मेरे दोस्त के यहां रुका हूं. दोस्त के यहां तो भाई 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 आ जाता है. कई तरह की डिपेंडेंसी हो सकती है ना. तुमको तो ये नहीं पता कि दोस्त के यहां पर दूध कहां से लाता है वो, और तुमको दूध लाने भेज दे तो तुम्हारी दिक्कत है, तो डिपेंड हो उस पर. So, उसमें बाई आ सकता है. और मिट जनरली आप चाय चीनी के साथ या चीनी के बिना, मिट के साथ, मैं तो चीनी के साथ लेता हूं ना, चाय के साथ चीनी जरूर लेता हूं, बिना फीकी मेरे को चलती नहीं. सो मिट शुगर, मिट मतलब विद, जनरल मीनिंग आ गया. ठीक है, दोस्त के साथ रहता हूं, किराया अपना देता हूं, तो मिट आ गया. तुम किसके साथ आ रहे हो पार्टी में? मैं अपने फ्रेंड के साथ आ रहा हूं. फ्रेंड के साथ डिपेंडेंसी की कोई बात नहीं है, बस साथ में है वो मेरे. सो ऐश कॉमन कॉमन मिट परफेक्ट. माइनम आएगा क्योंकि माइन का अकुजेटिव माइनन और डेटिव माइनम. इसको में मिट माइनम फ्रॉइंड, इसको में मिट माइनम फ्रॉइंड. आई कम विद माय फ्रेंड. ठीक है, और ये व्हीकल वाला, व्हीकल का वाला जैसे बाई कार, कैसे आ रहे हो? कार से आ रहे हो? बाई ऑटो. बाई की जगह ही मिट लगा रहे हो आप, मिट ऑटो. और ऑटो का आर्टिकल क्या होता है? दास. दास. तो एश को मैं मिट दास. तो डाटी भी आएगा, इसीलिए डेम आ रहा है. ओरिजिनली आपको याद हो तो दे आर दी दास दी then the das the then them there here here plus listen ऐसा कुछ है ना. yeah. तो ये न्यूट्रल वाले में ये em आता है इधर. yeah. मैंने तो टेबल अलग तरीके से लिखवाई थी आपको, ऐसे लिखवाई थी there the das
तो यहाँ से ये डेम आ रहा है ना समझ में, क्यों आया ये? जी सर, और दास का डाटिव में डेम होता है, ठीक है? तो हो गया, देखो पहले में आया उतना जोर तो दूसरे में आया ही नहीं, हो ही है कि नहीं? यस, देन हाउस, फ्रॉम हाउस, हाउस इज फ्रॉम, यस हाउस इज फ्रॉम, ये तो आपने पहले से सीखा क्या? हाँ जी सर। कहाँ पे सीखा? इंट्रोडक्शन में, इंट्रोडक्शन में आपने वो पढ़ाया था ना, वहां पे उस टाइम पे मैंने समझाया नहीं था लेकिन वहां पे कॉन्टेक्स्ट याद रह गया आपको, वेरी गुड। तो हाउस का मतलब फ्रॉम, और फ्रॉम में भी स्पेशली यू टॉक अबाउट ओरिजिन, इश्को में हाउस राजस्थान, इश्को में हाउस राजस्थान, आई कम फ्रॉम राजस्थान, तो हाउस का मतलब ओरिजिन की बात करता है, वेर यू कम फ्रॉम। सो पहला हाउस है ओरिजिन, एक हाउस का मतलब मेड ऑफ भी होता है, मेड ऑफ, इट इज मेड ऑफ प्लास्टिक, इट इज मेड ऑफ वुड, ये पेन प्लास्टिक का है, हाउस प्लास्टिक ऐसे बोलेंगे, एक मीनिंग इसका मेड ऑफ भी होता है, पेन को बोलते हैं कूली, कूली कूली, एस्ट हाउस प्लास्टिक, दे कूली एस्ट हाउस प्लास्टिक, ये पेन जो है, दिस पेन इज मेड ऑफ प्लास्टिक, ये पेन प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक का है, ऐसे। एक मीनिंग इसका और होता है, वो आउट ऑफ, इस क्यों का है सर? हाँ, इस जरूरी है क्या? आप ये सोच रहे हो कि इसके बिना नहीं चल सकता क्या? ये जरूरी है, जरूरी है। आप अगर इस सेंटेंस को बनाते तो ऐसे बनाते ना, डेयर कूली आउट प्लास्टिक। नो सर। तो हाँ, इसमें वर्ब नहीं है, वर्ब के साथ इसाम ओडी रहा, मतलब कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के पॉसिबल नहीं है, या तो कोई दूसरी वर्ब आपको आती है और नहीं आती तो जॉइन वर्ब लगा देते हैं अपन, तो ठीक है, ओके, इसका सब्स्टिट्यूट कुछ नहीं पता तो जॉइन वर्ब, इट इज हाउस प्लास्टिक, हाउस का एक मीनिंग है आउट ऑफ, आउट ऑफ मतलब से बाहर, से बाहर, निकल घर से, निकल तो कहना नहीं मानता है, गो आउट ऑफ द हाउस, आउट ऑफ से बाहर, से बाहर बोल देते हैं कुछ लोग, बोल देते हैं मैं से बाहर, इस घर में से बाहर, तो दूध लिया कहां से लाऊं, फ्रिज में से बाहर, फ्रिज में से लिया, हाउस, फ्रिज को बोलते हैं क्यूल श्रांक, देयर क्यूल श्रांक, आई ब्रिंग इश ब्रिंग क्या मिल्श, इश ब्रिंग मिल्श, हाउस देम क्यूल श्रांक, क्यूल श्रांक इज फ्रिज, से बाहर के लिए हाउस यूज कर रहा हूं, किसमें से क्यूल श्रांक, जनरली डेयर श्रांक होता है, डेयर का डेम हो गया, आई ब्रिंग मिल्क आउट ऑफ द फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, दूध लिया है ना, लिया, अब घर से बाहर निकल, सो यू आर गोइंग डू
guest house them house दूध में नहीं लाना था, गिराया दूध वहां छाछ भी पड़ी थी आधी उसमें गिर गई, तो इस लाइक डू गेस्ट हाउस डेम हाउस, तो ये हाउस है और हाउस का आर्टिकल दास हाउस होता है, तो दैट डेम बन गया, दोनों का मतलब निकल रहा है यहां पे आउट ऑफ, आउट ऑफ से बाहर। तुम कचरा कहां फेंकते हो? हम तो खिड़की में से बाहर फेंक, अरे खिड़की में से बाहर फेंक देते हो, जो ठीक नहीं करते तुम, लेकिन वहां भी अगर कोई ऐसा काम कर रहा है कोई महानुभाव, तो आउस डिम फेंस्टर, खिड़की में से बाहर, सो आउस का मतलब होता है आउट ऑफ। तो ये तीन मीनिंग है इसके, कभी कभी कई लोग अपने एक्सपीरियंस के लिए बोल देते हैं, मैं मेरे आउट ऑफ एक्सपीरियंस, आई एम टेलिंग यू, ऐसे नहीं कहता मैं, मेरा एक्सपीरियंस है उस एक्सपेरिमेंट में से ये बाहर निकालता हूं मैं चीजें, ठीक है। सो कभी कभी एक्सपीरियंस के लिए भी आपको दिखेगा कहीं कहीं पे, बाकी ये थ्री आपको मेनली दिखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट वन ऑन 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 नाक, नाक से पहले नाक है, ओके नाक का एक पॉपुलर मीनिंग है टू आउट ऑफ द सिटी, आप कहीं भी आउट ऑफ द सिटी जा रहे हो तो आप बोलोगे नाक, विद इन द सिटी आप बोलो दोस्त के पास जा रहे हो तब नहीं, विद इन द सिटी आप बैंक जा रहे हो तब भी नहीं, स्कूल जा रहे हो तब भी नहीं, आप सिटी से बाहर, तो सिटी से बाहर कहां, कोई दूसरी सिटी, कोई बोले मैं तो पोलैंड जा रहा हूं, तो पोलैंड तो इंडिया में है ही नहीं, और अगर है भी मान लो कोई दूसरी सिटी है, मैं तो जा रहा हूं केरला जा रहा हूं, स्टेट भी हो सकता है, कंट्री भी हो सकता है, सिटी भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर जगह आपकी जगह से बाहर कहीं और, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे ही आप जा रहे हैं, तो नाक लगाएंगे, यस मतलब आउट ऑफ द सिटी, आउट ऑफ द सिटी आपकी सिटी बड़ी है तो उससे भी बाहर जाना पड़ेगा आपको, तो टू बट आउट ऑफ द सिटी। और तुम कहां जा रहे हो वीकेंड में? मैं तो घर जा रहा हूं, एक ये जोरदार बात है कि जो आदमी घर जाता है उसके लिए भी ना खाता है, अब घर तो विद इन द सिटी भी हो सकता है, हो सकता है एक ही बिल्डिंग में दूसरी जगह भी हो सकता है, लेकिन घर के लिए फिक्स है, इस गे है नाक हाउस, इस गे है नाक हाउस है, ये थोड़ी अजीब बात है कि घर के लिए भी आ जाता है ये, वैसे तो आउट ऑफ द सिटी, जैसे आप सेंटेंस बनाओगे आई एम गोइंग टू मथुरा, मथुरा एक सिटी है भाई, तो एश गे है या फार है नाक मथुरा, मथुरा मैं मथुरा जा रहा हूं, वृंदावन जा रहा हूं, मैं पुणे जा रहा हूं, सर हाउस के साथ आर्टिकल नहीं लगेगा, हाउस के साथ आर्टिकल नहीं लगेगा, सर हाउस का ई लग गया सर, मतलब ई क्यों लग गया, ऐसे कह रहे हो क्या? एक्चुअली हाँ सर, हाउस तो ये होता है दास हाउस, और एक होता है दास हाउसे, दोनों का वैसे तो डिक्शनरी में देखोगे तो सेम मीनिंग निकलेगा, डिक्शनरी में देखोगे सेम मीनिंग निकलेगा, बट जनरली आप नोटिस करना कि जब भी ई लगता है ना उसका मतलब होता है खुद का घर, और विदाउट ई केवल हाउस है उसके बहुत सारे मीनिंग निकल सकते हैं, उसका मीनिंग ये भी निकल सकता है बिल्डिंग, तो सर जैसे हाउस आ जाता तो दास लग गई इसमें आर्टिकल लगता, जैसे हाउस आ जाता हाँ तो आर्टिकल लगता है, मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर इस घर में जाते हाँ। इस घर में जाने से नहीं लगता क्योंकि वो तो आउट ऑफ सिटी जाने से लगता है, मतलब आप एक घर विद इन द सिटी आप किसी बिल्डिंग में भी जा रहे हो तो नाक थोड़ी लगेगा,
ये तो खुद के घर के लिए है। ये देखो दो वर्ड वापस से बताता हूं, हाउसे का मतलब है खुद का घर, ये हमेशा खुद के घर के लिए ही आता है। और इस हाउस का मतलब बिल्डिंग भी हो सकता है, इस हाउस का मतलब है कोई मकान, इस हाउस का मतलब है जैसे मान लो मैं अभी इंस्टीट्यूट से पढ़ा रहा हूं, इंस्टीट्यूट को भी मैं बोल सकता हूं कि दस इस्ट माइन हाउस मतलब माई बिल्डिंग, ऐसे बिल्डिंग के कॉन्टेक्स्ट में। मान लो मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूं, सीमेंट्स में काम करता हूं मैं, और किसी ने बोला कि वो आप अशोक सर से बात कराइए, मैं बोलूंगा अशोक जो हेयर अशोक कटारिया इज निस्ट इन हाउस, मतलब ही इज नॉट एट प्रेजेंट इन द बिल्डिंग, मतलब हियर इन द कंपनी। सर एक बात बताओ, लेट्स से मेरा हाउस पास नहीं है, दूर है, देन आल्सो आई यूज नाक। आपको अगर ये बोलना है किसी को कि मैं तो मेरे घर जा रही हूं, तो नाक कहीं वो कहीं भी हो, ठीक है, कहीं भी हो, घर इस गेह नाक हाउस का मतलब है कि बंदा अपने घर जा रहा है, ठीक है। हां जी सर, हाउस का मतलब होम भी होता है, जैसे होम और हाउस का डिफरेंस होती है, ये वाला खुद का घर, हाँ, और ये वाला हाउस बिल्डिंग, एनी बिल्डिंग, एनी बिल्डिंग, जस्ट एनी बिल्डिंग। जैसे हम अपने घर को, हमारे घर को सिर्फ होम ही बोलते हैं, यू कैन नॉट से एनी अदर बिल्डिंग एज अ होम। यस, तो होम बोलना है तो ये वाला ही है फिर उसके लिए, ठीक है, ठीक है। लेकिन आपको ऐसे बोल रहा हूं कि मैं इस घर में जा रहा हूं, कोई घर है तुम्हारा नहीं है, कोई बिल्डिंग है, मतलब कोई भी बिल्डिंग कोई भी घर तुम्हारा नहीं है, वो हाउस है अपने लिए, तो और आप बोलो कि मैं उस घर में जा रहा हूं, तो वहां पे नाक नहीं आएगा, ठीक है, फिर क्या आएगा वो बताऊंगा। इश ये है नाक हाउस है, तो ये तो होम के लिए आ गया पहला, ओन हाउस होम के लिए आपने ये पहला वाला यूज किया, नाक हाउस है। दिस वन इज यू आर गोइंग एनीवेयर मींस आउट ऑफ द सिटी। सर इसके साथ आर्टिकल क्यों नहीं लगा? जनरली हाउस के लिए नहीं लगता, उसके लिए सू हाउस है और नाक हाउस है, दो स्पेशल केसेस है वहां पे। फर्स्ट क्या बताया आपने? जर्मन्स आर्टिकल यूज नहीं करते इसके लिए, ओके, कोई रीजन नहीं है इसका। नहीं, हमने बहुत ज्यादा दास हाउस यूज किया है, दास किया है, दास किया है, उसमें आप ध्यान से वापस देखना, हाउस नहीं किया होगा, नहीं किया, क्योंकि दास इसलिए किया है क्योंकि वो तो बिल्डिंग की बात कर रहे हैं ना हम, ओके, तो वहां तो करेंगे, बट ये इस वाले के साथ नहीं करते। और जो स्पेसिफिक नेम है, जैसे मथुरा एक स्पेसिफिक नेम है या दिल्ली जो भी है, हाँ, वो उनके साथ भी हम आर्टिकल यूज नहीं करते, क्योंकि नामों के आर्टिकल जनरली होते ही नहीं, जनरली नहीं होते। जर्मनी वगैरह में उन्होंने दे रखे है किसी किसी के, वो अलग बात है, जनरली नहीं होते, ठीक है ना। ये कई कई कईयों के कई नदियों के उनके दे भी रखे हैं उन्होंने अपने, तो वो हमको फिर लर्न करना पड़ता है, ओके। नाक का एक मीनिंग है अकॉर्डिंग टू, और नाक का एक मीनिंग है आफ्टर, बस हो गया। अकॉर्डिंग टू, अगर मेरे को यह बोलना हो अकॉर्डिंग टू मी तो क्या बोलू? नाक नाक मेयर, ओ सॉरी मिश, नाक मेयर, बिल्कुल सही। अकॉर्डिंग टू मी का होगा नाक मिया, नाक इश तो नहीं हो सकता ना? नो सर, नहीं हो सकता, वो अपने आप ही मियर हो जाएगा, इसी तो था वो, लेकिन नाक के कारण वो मियर हो गया, डाटिंग अकॉर्डिंग टू मी।
यू आर राइट। अब ये नाक मियर कहीं भी आ जाए, वर्ब सेकंड पोजीशन पे आनी चाहिए। ओके, आफ्टर भी एक मीनिंग है नाक का। अगर मैं बोलूं मैं तुम्हारे बाद आऊंगा, पहले तुम चलो, आई एम कमिंग आफ्टर यू। इश कॉमे नाक डियर, बाकी लोग फॉलो कर रहे हैं ना शोभा? बाकी लोग समझ आ रहे हैं ना सबको? ओके विजय। हाँ सर आना ठीक है। सो आफ्टर नख ही नहीं, नख डियर, आफ्टर यू, सो इसका हो जाएगा नख डियर, तुम्हारे बाद। और आपके बाद बोलना हो रेस्पेक्टफुल, इसको मैं नाक ही नहीं, पानी पीने की बारी आई, हम दोनों पानी पीने पहुंचे और मेरे को लगा कि मेरे को आपके बाद में पीना चाहिए, तो मैं बोलूं वो कहेगा आप लोग ना खीनन, बेटा ना खीनन, पहले आप, यही तो मतलब निकल गया इसका, डंक है इस तरीके ना खीनन, मैं पीऊंगा आपके बाद, ना खीनन आफ्टर यू, पहले आप। सो दिस इज द मीनिंग। हो गया नाक, नाक हाउस है। नाक हाउस है आफ्टर अकॉर्डिंग टू और आउट ऑफ द सिटी। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज फोन, फोन Home. It has only two meanings. But that's a preposition, only two meanings. Phone का मतलब है off और from. Phone is off and phone is from. जैसे मैं बोलूं दो दो सेंटेंस लिखता हूं, इसको मैं हाउस राजस्थान, राजस्थान इसको मैं पॉइंट हरियाणा, क्या मतलब है? एक में मैंने हाउस लिखा, एक में मैंने फोन लिखा। फर्स्ट वाला है सर कि आई कम फ्रॉम राजस्थान और सेकंड है आई कम टुडे फ्रॉम हरियाणा, मींस मैं हरियाणा से आज आ रहा हूं, आज मैं हरियाणा से आ रहा हूं। राजस्थान मतलब बिलोंग टू, ये ऊपर वाले हाउस लगा दिया मतलब वो बिलोंगिंग बताता है, बेसिकली यू आर फ्रॉम देयर, योर ओरिजिन, हाउस फॉर ओरिजिन, बट दिस वन यू आर कमिंग फ्रॉम समवेयर राइट नाउ, मे बी घूमने गए थे, मे बी बिजनेस ट्रिप गए थे, उसके लिए गए थे। सो इस कॉमेंट फोन, फोन मतलब जनरल फोन, ठीक है, फ्रॉम और फोन। तुमको पैसे कौन देता है? मैं पैसे पापा से लेता हूं, तो फोन, I take money from, ठीक है ना, from same phone my name father ish become get phone my name father, पापा से ले लेता हूं। सही, बिकॉम क्या हुआ? बिकॉम मीन्स टू गेट,
I receive. Okay. I take. मैं प्राप्त करता हूँ. I get money from mainam phata. क्योंकि phone डाटी है. अगर कोई बोले कि सही बता ना यार इतने पैसे मेरे वाले पापा तो नहीं देते, हाँ? बोलता है. गिल्ड मतलब क्या है? हाँ? गिल्ड, जी गिल्ड. गिल्ड मतलब मनी, पैसा. मनी. हाँ. यार तुमको रोज इतना पापा देते हैं पैसे, तो हमको भी खिलाता रहता है और हाँ? बोला मैं पापा से थोड़ी लेता हूँ, उनकी जेब में से लेता हूँ. जेब में से, जेब में पड़े रहते हैं, वो गिन के नहीं रखते. तो मैं तो जेब में से मतलब से बाहर, आउट ऑफ, फिर तो ये वाला आ जाएगा भाई, आउट ऑफ द पॉकेट वो आ जाएगा. फिर फोन का मतलब है उनसे, फ्रॉम, फर्क समझ रहे हो ना? चोरी हो गया पहले वाला, चोरी हो गया वो तो गड़बड़ हो गया ना, फोन ही लाओ से जाएगा. तो भाई मैं तो ले लेता हूँ, मतलब बंदा कह रहा है मैं तो नहीं लेता. तो फोन फ्रॉम, फोन का मतलब फ्रॉम है, समझ गए ना? तो सर हमें कहीं भी फ्रॉम यूज करना होगा, हम वॉन यूज करेंगे मोस्टली, लाइक फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन. हम क्या कहते हैं, आपको ये बोलना हो कि मैं तो जयपुर से जोधपुर जा रहा हूँ, मैं जयपुर से दिल्ली जा रहा हूँ, तो फोन जयपुर नाक दिल्ली, क्योंकि आउट ऑफ द सिटी के लिए तो वो नाक आ जाएगा, लेकिन फ्रॉम के लिए तो फोन ही आएगा. राइट, इश्को में आई एम कमिंग फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली, इश्को में फोन जयपुर नाक दिल्ली. तो एक जगह से दूसरी जगह. और कोई बोले कि मैं तो 10 बजे से 5 बजे तक काम करता हूं, फ्रॉम 10 टू 5, तो यहां पे फोन सेन बिस, बिस का मतलब टिल आया था ना, अप टू, तो वहां पे फोन ही आएगा. इन शॉर्ट बाइट है फोन सेन उवर बिस, जिप सेन उवर फ्रॉम टू टिल, तो फोन आएगा. और कोई बोले ये बैग बड़ी बढ़िया ला है, ये बैग किसका है? ये तो मेरे भाई का है. इट इज ऑफ माई ब्रदर. दी टच है फोन माइनम ब्रूडर, मेरे भाई का बैग. ये पूरा सेंटेंस नहीं लिखा है मैंने, इतना लिखा है मेरे भाई का पेन, बैग, द बैग ऑफ माई ब्रदर. दिस इज लगाना हो तो पहले दस इष्ट भी लगा सकता हूं. दस इष्ट दी टच है फोन माइनम ब्रूडर, ये मेरे भाई का है. ऑफ मीनिंग दे रहा हूं, इसमें इष्ट लग सकते ना, इष्ट लग सकता है ना. दस इष्ट शुरू में दस इष्ट लगा दो, दिस इज दस इष्ट दी टच है फोन माइनम ब्रूडर, दिस इज द बैग ऑफ माई ब्रदर, हो गया. तो ऑफ का मतलब है किसका है, का की के, का की एक साथ कर देना, का की के, किसका, किसकी, किसके, मेरे भाई के बच्चे, उसका घर, उसके लिए भी हम लोग फोन लगा देंगे. क्लियर? फ्रॉम एंड फोन. जो आई एम पाकिस्तान. नेक्स्ट जाइट, जाइट का टाइम होता है ना सर? जाइट का मतलब है सिंस, वो टाइम तो साइट होता है, साइट साइट
ये तो आदम था और सैन टीएस का साउंड है दैट इज टाइम एंड दिस इज सिंस सिंस या फोर जो इंग्लिश में आप बोलते हो सो जाइट इज सिंस आई एम वर्किंग सिंस मोर देन 10 इयर्स आई एम वर्किंग इश आर्बाइटे जाइट सिन यार्न सिंस Ich arbeite, मतलब I'm working. Ich arbeite seit zehn Jahren. I'm working since 10 years. अरे अभी खाना ही खा रहे हो? आधा घंटा हो गया. तुम आधे घंटे से खाना खा रहे हो? Yeah. Ich esse seit einer halben Stunde. हाँ, आधे घंटे से खाना खा रहा हूँ. क्यों? तेरे को problem? Right. So, Zeit का मतलब है since, from onwards. नहीं, since और for depend करता है actually कि Zeit अब 10 साल से, 10 मिनट से, 2010 से, तो English के हिसाब से since और for दोनों meaning जो निकलते हैं, for में जानबूझ के यार लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन वो meaning भी है इसका. क्योंकि मैं कहीं फोर लिखूं और कई लोग वो वाला फोर समझ जाए दिस इज फोर मी इसलिए लिख नहीं रहा उसको ठीक है ना सो ड्यूरेशन ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम दोनों के लिए आएगा ये सर ईयर होता है यारे और ये यारन ईयर्स की वजह से लगा है राइट वैसे तो होता है दस यार ईयर प्लूरल होता है दी यारे ऐसे होता है प्लूरल ये सिंगुलर है ये प्लूरल है तो हमने ये एन उससे लगाया ना सर जो डेटिव का एन प्लस एन है देन एग्जैक्टली बिल्कुल सही वो क्योंकि वो नाउन में एन लगता है एक्स्ट्रा उससे लगाया हुआ है नाउन जाइट डेटिव है ना ये इस डेटिव का असर गया है उस पे डेटिव प्लूरल हो गया जाइट नेक्स्ट कितनी अच्छी है ना सिंपल है एकदम नेक्स्ट अब का मतलब अभी है अब से हम जर्मन पढ़ेंगे मतलब फ्रॉम ऑनवर्ड्स ये मीनिंग है इसका अब कोई ये भी कह सकता है फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स फ्रॉम दिसंबर ऑनवर्ड्स फ्रॉम 2022 ऑनवर्ड्स मतलब फ्रॉम ऑनवर्ड्स से आगे लगातार अब इसको जाइट से अगर कंपेयर करें हम लोग तो मैं 10 साल से जर्मन पढ़ा रहा हूं 15 साल से जर्मन पढ़ रहा हूं तो मैंने 2010 में सपोज शुरू किया पढ़ाना तो मैं 11 में पढ़ाया 12 में पढ़ाया 13 में पढ़ाया ऐसे करते करते अभी कितना हो गया 21 में भी पढ़ा रहा हूं आगे का नहीं पता इसका मतलब यह है कि एक पर्टिकुलर कोई टाइम है तब से लेके लगातार और अभी भी काम चालू है लेकिन आगे का नहीं पता अब कोई भरोसा थोड़ी है कोई कब नहीं मतलब आगे का पता नहीं कोई प्रोफेशन ही बदल ले आदमी को कह थोड़ी सकता है सो पहले से कोई पर्टिकुलर पॉइंट से लेके अभी तक काम चालू है अभी भी चल रहा है लेकिन इसमें जोरदार बात है कि इसको पहले का नहीं पता इसका तो पहले का पता है और अब तक इसको आगे का नहीं पता और इसको पहले का नहीं पता ये तो बात ही आगे की करता है कोई पॉइंट बताता है और कहता है उसके बाद लगातार मैंने कुछ लोगों को कहा कि हम लोग दिसंबर से जर्मन पढ़ेंगे दिसंबर से इसका मतलब दिसंबर में नहीं दिसंबर से और फिर लगातार आगे कब तक पता नहीं लेकिन से आगे लगातार ये मीनिंग है ये पीछे से
अब तक लगातार, और ये जो टाइम गिवन है उससे आगे लगातार, ये मीनिंग निकलता है इसका। जैसे नाउ ऑनवर्ड्स वी विल बी लर्निंग जर्मन, अब से हम लोग जर्मन पढ़ा करेंगे, अब से हम लोग घूमने जाया करेंगे। सो नाउ ऑनवर्ड्स, अब यस्ट, अब यस्ट गेहन वी आर स्पासियरन, वी आर लर्निंग डॉइच, वी आर लर्निंग जर्मन। अब दिसंबर 5000 आई नो फ्रांसिश, हम लोग दिसंबर से जर्मन पढ़ेंगे, आगे नहीं पता कब तक, बट दिसंबर से आगे लगातार, हो सकता है 6 महीने, हो सकता है 1 साल, कोई अंत तो है नहीं पढ़ने पढ़ाने का। इसमें 10 साल से अब तक, 5 साल से अब तक, 5 मिनट से अब तक, ठीक है, जब से भी एक पास्ट में एक्टिविटी स्टार्ट हुई और वो अभी भी चालू है, ये मतलब है इसका। इसमें कोई पॉइंट पे स्टार्ट होके आगे लगातार चलेगी, ये मतलब है, और ये जनरली फ्यूचर की तरफ ही होता है। वो काम अभी भी चल रहा है। इज इट ओके सर? पहले वाली के एग्जांपल का मीनिंग बताना। नहीं सर, अब आपने जो फर्स्ट वाला लिखा आपने, ये अब जे क्या है? जे सर गेहन बियर। अब यस, यस का मतलब है नाउ, नाउ नाउ, इसका मतलब ये हो गया नाउ ऑनवर्ड्स, अब से चला करेंगे, नाउ ऑनवर्ड्स। ये जो नाउ लिखा है यहाँ पे टाइम भी लिख सकता हूं मैं, अक्टूबर ऑनवर्ड्स 2022 ऑनवर्ड्स। मैं अगर आप लोगों को ऐसे ही पढ़ाता रहा, जर्मनी से बहुत सारे स्टूडेंट आए मेरे पास, स्विट्जरलैंड से आए बहुत सारे, तो 2024 तक शायद मैं कुछ प्लान कर लूंगा, और 2024 ऑनवर्ड्स I will be teaching in Germany, maybe, why not? मतलब 2024 से आगे, from then onwards, उससे आगे, फिर वहां से पढ़ाऊंगा। Clear? ठीक है ना? Okay sir. हाँ जी sir. Okay. हाँ जी sir, हमको कोई objection नहीं है. Okay. Next, then. 2 more. Gegenüber. Gegenüber का मतलब है opposite to. Opposite to something. For example, this is my house, and here there is some college. यहां पे एक बड़ी सी कॉलेज है, यहां मेरा घर है, इस कॉलेज का गेट इधर है और मेरे घर का इधर है, तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, बट ये गेगनयुगर एंटलांग की तरह है, ये लास्ट में दिखती है आपको जनरली। माइन हाउस ईस्ट डेम कॉलेज गिगन यूबर, दास कॉलेज अगर है तो डेम कॉलेज हो जाएगा। माइन हाउस ईस्ट डेम कॉलेज गिगन यूबर, ये लास्ट में लिख दिया हमने, या फिर ऐसे समझो कि जिसकी बात कर रहे थे उसको इससे पहले लिख दिया। ऑपोजिट टू, इधर टेंपल है और इधर तो पार्क है, तो ये पार्क, ये टेंपल का रास्ता और ये पार्क का रास्ता,
तो ये जो पार्क है ये टेम्पल के ऑपोजिट है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट। सर ये क्या एनयू पर लगाया आप, तो ये तो इसके आगे लग सकता ना? नहीं लग सकता, ये स्पेशल है इसकी बात, बाकी में तो ऐसे ही होता है, लेकिन जैसे एंटिलॉन्ग लास्ट में था सेंटेंस में, ऐसे ये भी वैसे समझ लो आप, कि अपन खास तौर पे एंटिलॉन्ग को और गेगन यूगर को इस तरह से यूज करेंगे कि उसमें जिसकी बात कर रहे हैं वो पहले आ जाता है, बाकी में तो क्या हो रहा था कि ये पहले आता है फिर वो असर होता है, इसमें असर पहले ही हो जाता है, बस इतना ही फर्क है और कुछ भी नहीं। नाउ सर थोड़ा राइट साइड में नहीं दिख रहा है। नाउ हाँ ठीक है, ठीक है, तो इसका मीनिंग होगा ऑपोजिट टू। तो सर सिर्फ ये लोकेशन के लिए यूज होगा राइट? यस लोकेशन के लिए, थैंक यू, ये लोकेशन के लिए यूज करते हैं लोग, एक्सटेंटिक लोकेशन। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माय हाउस ईस्ट गेगन द कॉलेज, ऐसे नहीं लिखते इसको, इसको ऐसे नहीं लिखते जर्मन्स, यही तो इसमें फर्क है दूसरे से, बाकी में तो सब में क्या हो रहा था, पहले प्रीपोजिशन आ रही है और फिर उसके बाद में चीज आ रही है, पहले प्रीपोजिशन आ रही है और फिर उसके बाद में आ रही है, जो भी आपका नाउन प्रोनाउन जो भी आ रहा है उसके बाद आ रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा उल्टा है, उसमें ये बाद में आता है और वो पहले आ जाता है। एंटिलॉन्ग में भी तो यही हुआ था, बस वही बात है और कुछ नहीं है इसमें। सर और अगर मैं इसमें लिखना चाहूँ उल्टा, मतलब कॉलेज मेरे घर के ऑपोजिट है, तो मैं कॉलेज को पहले लिख दूंगी राइट, देन दस दी कॉलेज है देयर कॉलेज व्हाटएवर देयर कॉलेज इस्ट माइन हाउस और फिर वो वर्ड राइट, देन कॉलेज गिवन यू वर्ड इस्ट माइन हाउस, इसमें फिर हम सेंटर में ले आएंगे, क्योंकि कंडीशन यही तो है ना कि ये जो प्रीपोजिशन है इससे पहले आ जाता है जो असर होना है जिस पे, वो ही शुरू में से आता हुआ गया। सर ये डेम कैसे होगा सर, ये तो फर्स्ट बार है नोन में लगता है डैट डैट की वजह से डैट सब्जेक्ट, हां सर सब्जेक्ट तो जो है वो कि रहेगा ना वही रहेगा, मतलब ये सब्जेक्ट आपने ऑब्जेक्ट को उधर कर दिया सब्जेक्ट को उधर कर दिया तो भी आपको तो पता ही है कौन किधर है। Yes. Next. Sue and aunt for why? Aunt for why दिख रहा है? Aunt for why का मतलब होता है actually across. Across बोले तो जैसे के सामने से निकलना, के सामने से निकलना, यहां पे एक बिल्डिंग है, ये रास्ता है, मैं रोज इस बिल्डिंग के सामने से निकलता हूं, दस की बोर्ड है बिल्डिंग को बोलते हैं, दस की बोर्ड है, हाउस भी बोल सकते हैं, हाउस भी बोल सकते हैं, दस हाउस, मैं इस घर के रोज सामने से निकलता हूं, तो गो अक्रॉस उसके सामने से निकलने के लिए आती है प्रीपोजिशन, और ये डेटिव है इसलिए क्या होगा इश गेयर, इस गेयर में ये दो पार्ट में, ये अनडेम हाउस अनडेम हाउस फोबाई, तो आन और फोर बाई के बीच में इस ये है अनडेम हाउस फोर बाई। सर आन कैसे आ रहा पहले? हाँ दो पार्ट में है, पार्ट में जिस भी चीज के सामने से निकलोगे वो यहां पे आएगा डाटिव बन के, कल यार अपन मिले थे तुम मेरे सामने से निकले थे, अच्छा हाँ तुम मेरे सामने से निकले थे
या फिर आप बोलो मैं तो तुम्हारे सामने से ही निकलता हूँ रोज। अच्छा नमस्ते नहीं करते लेकिन, नहीं वो तो खैर अलग बात होगी। डू गेस्ट अन फॉर बाई, अब मेरे सामने से यहां पे क्या लिखूं मैं? हाउस मियर मियर मियर, क्योंकि इश मिश मियर डाटिंग होगा ना मेरे घर। ओके सो ये हो गया। बस लास्ट ये सु एक बार मैं फर्स्ट बताता हूं आपको, पहन हो गया अपना। सु का मतलब, एक मिनट में, सु का मतलब एक तो होता है टू विद इन द सिटी। विद इन द सिटी आप कहीं जा रहे हो, आप सिनेमा जा रहे हो, आप कोई बिल्डिंग जा रहे हो, आप किसी के यहां जा रहे हो, आप कॉलेज जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, दुकान जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो विद इन द सिटी। आप ये भी बोलो मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं तो भी इसको मैं सुटी है विद इन द सिटी, टू मीनिंग निकलेगा। इसके अलावा कभी कभी इसका मतलब टू मच भी हो जाता है, कभी कभी इसके कई एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। जैसे कोई बोले फॉर एग्जाम्पल, तो फॉर एग्जाम्पल बोलने के लिए भी सुम बाई स्पील बोलते हैं, सुम बाई स्पील। ये सुम बाई स्पील विद सुई है एक्चुअली, या कभी कभी सुफ सु हाउज है, मैं तो घर पे ही हूं, घर पे पहले से बंदा रहता है ना अपने घर पे, तो उसके लिए सु आता है। अपने घर जाते हैं तब ना खाता है और अपने घर पे पहले से ही रहता है तो सु आता है। एक इसका मीनिंग इन ग्रुप ऑफ, जैसे हम दो की ग्रुप में ये काम कर रहे हैं, वी आर माखन दास सु स्वाइट। आप एक काम करो इसको रहने दो, अभी केवल ये तीन मीनिंग लर्न करो, ये काफी है, और ये तीन भी रहने दो, केवल ये दो करो, ये बार बार आएंगे, बाकी के मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको अच्छे से। एक तो हियर फॉर मीन फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू अदर डेस्टिनेशन वी कैन टेक फॉर एंड सु, राइट करेक्ट फॉर 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 किस लिए? फॉर कर्नाटका सु टिल टू, यस टिल टू बोलना हो तो। लेकिन मतलब आप ये कहो कि मैं कर्नाटका से तमिलनाडु जा रहा हूं तो ना खाएगा? हाँ सर, हाँ सर ना खाएगा ना, उसमें तो सिटी आउट ऑफ द सिटी हो गया तो ना खाएगा। ये सू फील मतलब टू मच, बहुत ज्यादा स्वीट है, सो सू जूस बहुत ही स्वीट। ये पैजामा कहां से खरीदा है तो तेरे आई नहीं रहा, वो छोटा है तो। सू क्लाइन तो टू मच के कॉन्टेक्स्ट में, और सू हाउज है, और विद इन द सिटी। बस इतने मीनिंग आप लर्न कर लो, आपको बहुत अच्छे से सेंटेंस समझ में आएंगे, बहुत बढ़िया तरीके से।